नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। कतौली विधानसभा उपचुनाव पर शाम 6 बजे शांतिपूर्ण ढंग से लगा है पूर्ण विराम। 54.5% हुआ मतदान। पोलिंग पार्टियों ने कुकड़ा मंडी मतगणना स्थल पर ईवीएम मशीनों को किया सुरक्षित। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से ले जाई जा रही ईवीएम को पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करने के लिए जमकर की नारेबाजी। पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप, बिना पुलिस फोर्स के ले जाई जा रही थी ईवीएम। आजमगढ़ में नेहा फर्नीचर शोरूम में जीएसटी टीम की छापेमारी। इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। हरिद्वार पुलिस ने भगवानपुर में हुई युवक की हत्या का किया खुलासा। चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने पैसे के लेन देन में हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। चांद कॉलोनी में लोहे की टंकी से बरामद हुआ था युवक का शव। आजमगढ़ में कृषि विभाग ने किसान मेला प्रदर्शनी का किया आयोजन। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने किसानों से की ऑर्गेनिक खेती करने की अपील। रबी उत्पादकता गोष्ठी में संपूर्ण जिला प्रशासन रहा मौजूद। भदोई में गोपुर चौराहे पर सड़क पार करने के दौरान 3 लोगों को पिकअप ने कुचला। घायलों को गोपीगंज अस्पताल में भर्ती किया गया। रास्ते में वृद्ध की मौत। परिजनों ने पुलिस स्टेशन में शव को रखकर काटा हंगामा। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। यूपी में 71 जिलों में व्यापारियों के 248 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी का छापा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 16 व्यापारियों पर गिरी गाज। विभाग की लगातार छापेमारी जारी, व्यापारियों में हड़कंप। हमीरपुर के चिकासी में आधा दर्जन दबंगों ने दुकानदारों को जमकर पीटा। गंभीर रूप से घायल हुआ दुकानदार। स्थानीयों ने अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। आगरा के ताज इंटरनेशनल्स पर जीएसटी विभाग ने मारा छापा। जीएसटी में हेराफेरी की टीम को मिली थी सूचना। अलीगढ़ के पटवारी नगला में भाग्यू अजगर ने किसानों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। किसानों के मुआवजे को लेकर कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मऊरानीपुर में निर्माणधीन कॉमन सर्विस सेंटर की छत भरभरा कर गिरी। जान बचाकर भागे मजदूर। मौके पर पहुंचे ब्लॉक और तहसील के अधिकारी। लाखों रुपए की लागत से बनवाया जा रहा था सेंटर। एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 ठगी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली ज्वेलरी और लाखों की नकदी बरामद। हरिद्वार में बच्चों ने खाई है जहरीली फली। जहरीली फली खाने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत। 3 बच्चों की मौत की खबर। श्रावस्ती में सीएमओ ऑफिस में आशा कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़। आशा वर्कर्स का नहीं हो रहा है भुगतान। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी नहीं हुई सुनवाई। अलीगढ़ में रामघाट में गांधी आई हॉस्पिटल का डीएम और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने किया निरीक्षण। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने मरीजों से जाना उनका हाल। डीएम और एसएसपी ने नेत्र अस्पताल के सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में सेना को अभ्यास के लिए आवंटित की जाएगी 477 एकड़ जमीन। जनजीवन प्रभावित होने की समस्या लेकर जिलाधिकारी से मिले ग्रामीण। राजस्व और वन विभाग जल्द करेगा ग्रामीणों से बातचीत। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की, और शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। सपा कार्यकर्ताओं का हंगामे को लेकर यह बड़ी खबर है। अवैध रूप से ले जाए जा रहे ईवीएम मशीन को पकड़ा गया है। सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस बिना फोर्स के इस ईवीएम मशीनों को लेकर जा रही थी।
तो आपको बता दें कि यह बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिना किसी सुरक्षा के इन ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ, सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो सपा कार्यकर्ता जिन्होंने ये जमकर हंगामा किया है, और खबर यही है कि अवैध रूप से ईवीएम मशीनों को पकड़ा गया है, यानी कि बिना सुरक्षा के ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा था, सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की गई है, यह विरोध प्रदर्शन किया गया बिना पुलिस फोर्स के, बिना सुरक्षा के ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थी गाड़ी में। सपा कार्यकर्ताओं को जैसे ही भनक लगी, गाड़ी को रुकवा दिया गया और बीच सड़क पर ही जाम लगाकर जमकर हंगामा किया गया। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा के शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। संगठन के ऐलान के मुताबिक 6 दिसंबर को 12 बजे शाही ईदगाह में पहुंचकर जलाभिषेक का कार्य यह पूरा किया जाएगा। हिंदू महासभा की ओर से यह भी कहा गया है कि हर हाल में वो इस काम को करके मानेंगे। हिंदू महासभा की इस घोषणा के बाद से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। और वही दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाबुद्दीन रिजवी के बरेलवी ने एक बार फिर से विवादित बयान उन्होंने दिया है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शब्बीर अहमद के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें यह कहा गया था कि मुस्लिम महिलाएं टिकट लेकर इलेक्शन न लड़े। मौलाना बरेलवी ने यह कहा है कि इस्लामी शरीयत मुस्लिम महिलाओं को गंदी राजनीति करने से रोकती है और इस्लाम में महिलाओं की पाकिजगी और उनके रुतबे का ख्याल रखा गया है, इसलिए मौजूदा दौर के चुनावी राजनीति से मुस्लिम महिलाओं को बचना चाहिए। शरीयत इस्लामिया ने मौजूदा इलेक्शन के ताल्लुक से औरतों के तहफ्फुज और उनके तकद्दुस, उनकी पाकिजगी का ख्याल रखते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए मना किया है, ताकि इसमें जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, उससे ख्वातीन महफूज रह सकें। इस्लाम औरतों के मकाम और उनके तकद्दुस का बड़ा लिहाज और पास करता है और उसमें बड़ी हैसियत इस्लाम ने दी है औरतों को, और उनकी पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए इस गंदी सियासत से बचने के लिए कहा गया है। और जहां तक मुमकिन हो मुस्लिम ख्वातीन को इस गंदी राजनीति से और इलेक्शनी सियासत से बचना चाहिए। और वही कासगंज के तीर्थ नगरी सोरो में नागा साधुओं ने शोभा यात्रा निकाली है और देश के कई राज्यों से आए नागा साधुओं ने अपने कर्तव्य दिखाए। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित हजारों नागा साधुओं ने अपने अपने अखाड़ों से शिरकत की है। नागा साधुओं ने एक दर्जन से अधिक भव्य झांकियां निकाली। तीर्थ नगरी सोरो में पुष्प वर्षा कर साधु संतों का जोरदार स्वागत भी किया गया। तो सोरो में नागा साधुओं के अलग अलग ये कर्तव्य उन्होंने दिखाए हैं और ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, देखिए कि किस तरीके से कर्तव्य यहां पर दिखाए गए और साधुओं पर, जो साधु संत यहां पर पहुंचे थे, पुष्प वर्षा भी उन पर की गई है। तो हजारों नागा साधुओं ने शिरकत की है। और वही यूपी सरकार ने 762 में से 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन की सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना को जारी कर दिया है। इसमें से 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटें इसमें शामिल हैं। हालांकि आरक्षण सभी 762 नगर निकायों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद समेत महापौर की 8 सीटों को अनारक्षित रखा गया है। 2017 में ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात की ओर से जारी अधिसूचना पर 7 दिनों में सुझाव व आपत्ति ये मांगे गए हैं। महापौर और चेयरमैनों के आरक्षित सीटों की जानकारी देते हुए
नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 1994 में दी गई व्यवस्था के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर सीटों का आरक्षण यह किया गया है। और वे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमनगरी मुनस्यारी वो पहुंचे हैं। सीएम के मुख्य मंच पर पहुंचते ही मुनस्यारी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने पुष्पमाला से उनका स्वागत किया। सीएम ने मुनस्यारी महोत्सव का फीता काटकर उद्घाटन किया है। वहीं सीएम धामी संबोधित करते हुए मुनस्यारी महोत्सव समिति को 8 लाख रुपए देने की उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि मुनस्यारी में हर साल की तरह इस साल भी मुनस्यारी महोत्सव का आयोजन 5 दिसंबर से शुरू हुआ है। और वहीं कृष्ण हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर की ओर से पर्यावरण मित्रों के लिए नगर निगम में चिकित्सा और औषधि वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने फीता काटकर इस शिविर का शुभारंभ किया है। अपने संबोधन में अजय भट्ट ने कहा कि पर्यावरण मित्र हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और वहीं जो भी हमें स्वस्थ और स्वच्छ रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मित्रों के पांव धोकर समाज में इनकी उपयोगिता का संदेश दिया है। उन्होंने कृष्ण हॉस्पिटल की ओर से आयोजित चिकित्सा शिविर की प्रशंसा की और कहा कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है और हम सब लोगों को अपने मित्रों की भावना और नेपाल को हमारी भावना का सम्मान करने का हमेशा से ही एक परंपरा रही है। तो हम आपस में कोई छुटमुट कहीं पर कुछ हो रहा हो तो वो मुझे पता नहीं है, आपस में कभी कभी मेरी और इनकी हो जाती है तो देश की थोड़ी हो रही है। कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें हैं, मेरा टिप्पणी करना कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें सरकारों के स्तर पर चलता है, वार्ताएँ होती हैं, आप सब समझदार हैं। तो जब दो मित्रों में कहीं पर कोई हल्की फुल्की भी बातचीत होती है तो उसको कोई हम लोग तूल नहीं देते हैं, आपसी बातें हैं, आपस की बातें हैं, इसलिए कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री योजना आत्मनिर्भर भारत के लिए जो योजना लॉन्च की गई है बतौर रक्षा राज्य मंत्री, आप उसे किस तरीके देते हैं, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? इतिहास बन गया है, पूरे विश्व के लिए हम अनुकरणीय हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी स्टेप ले रहे हैं आज पूरा विश्व उसको अपने वहाँ एडॉप्ट कर रहा है, कई देश। और वे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग की तरफ से चल रही सेब उत्पादक किसानों को सेब पौधा रोपण और कटाई छटाई और साथ ही उर्वरक खाद्य उन्नत पैदावार और फल और साथ ही इसकी तुड़ाई प्रबंधन आदि विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए 30 किसानों को हिमाचल प्रदेश के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जब राज्य 25 वर्ष का होगा तो हम सेब के उत्पादन को दोगुना करेंगे, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी है। हमारे प्रदेश के युवा मंत्री कुशल सिंह धामी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम एप्पल में अपने प्रोडक्शन को दुगना करेंगे, क्योंकि आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाइब्रिड प्लांट्स आ रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने वाइस प्रमार की एग्रीकल्चर की है हिमाचल में, यहाँ के 30 किसानों को अभी हमने भेजा है और जो वहाँ से सीख कर आएंगे उसके बाद वो यहाँ पर आकर यहाँ के किसानों को ट्रेन करेंगे, ताकि जो हमारा वो सपना है, क्योंकि आज एप्पल के क्षेत्र में हिमाचल जो है 22 लाख टन एप्पल पैदा करता है जो कि राज्य लगभग हमारे बराबर है और मात्र हम 63,000 टन का पैदा करते हैं, तो इसके लिए आज हमने अपने किसानों को भेजा, निश्चित ही वहाँ पर जो सीख कराएंगे उसको धरातल उतारेंगे और जो हमारा।
और वे उत्तराखंड में 7 दिन के विधानसभा सत्र को 2 दिन में ही खत्म करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में विधानसभा सत्र को खत्म कर दिया, यहां तक कि सत्र में विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल तक नहीं पूछ पाए हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की है, क्या कुछ कहा वो देख लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हमारे साथ मौजूद हैं। अभी विधानसभा का 2 दिन का सत्र हुआ है, उस पर बेबाकी से उन्होंने कई सारे सवाल उठाए, आज प्रेस के सामने भी कई चीजें कही। सर, आपका कहना है कि 7 दिन का विधानसभा सत्र था, 2 दिन में निपटा दिया गया, क्या कुछ खास रहा? देखिए, मैं लगातार कहता रहा हूँ कि सदन नियमावली से परंपराओं से चलता है, और जिसकी अनदेखी इस अनुपूरक बजट सत्र में देखने को मिली। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक का कार्यव्रत एजेंडा निर्धारित किया गया, लेकिन सदन में जब कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को सदन पटल पर रखा गया, वह मात्र 2 दिन का कार्यव्रत था। ये परंपराओं का, मूल्यों का हनन है। सरकार निश्चित रूप से घबराई हुई थी, डरी हुई थी, और फेस करने के विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं थी। न होमवर्क था, न आत्मविश्वास था। तो निश्चित रूप से जो 619 प्रश्न माननीय विधायकों के बड़ी उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ सदन में अपनी बात को रखना चाहते हैं, उस माननीय विधायक जवाब से वंचित रह गए। और कई प्रश्न ऐसे भी थे जो उन्होंने कहा सेंट्रल सब्जेक्ट है, केंद्रीय विषय है, जबकि राज्य का विषय था। इस तरह से विभाग बचना चाहता है सवालों के जवाब देने से। तो कई विषय हैं जिसका हल ढूंढते, समस्याएं हम बाहर रखते, प्रमुख मुद्दे थे। कानून व्यवस्था पर हमने सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब, ठोस जवाब नहीं था। और वही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के उरियाल गांव पहुंचकर सैन्य धाम के निर्माण कार्य को लेकर निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का मौके का मुआयना कर सैन्य धाम के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से काम में तेजी लाने के लिए कह दिया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे सामान की गुणवत्ता का खास ख्याल रखना चाहिए। और वे देहरादून के घंटाघर पर डेयरी विभाग ने आंचल कैफे के साथ नई शुरुआत की है। डेयरी विभाग के मंत्री सौरभ बगुड़ा के साथ विधायक और मेयर ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर आंचल कैफे का शुभारंभ किया। वहीं बड़ी बात यह है कि कैफे का संचालन शहीद के परिजन करेंगे, जिनको आंचल कैफे की चाबी मंत्री ने सौंपी है। वहीं मंत्री सौरभ बगुड़ा का कहना है कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश भर में ज्यादा से ज्यादा आंचल कैफे खोले जाते हैं, और जिसके चलते एक ही स्थान पर आंचल के सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल सके और अपने उत्तराखंडी दूध का प्रचार भी हो सके। एक सोच थी हमारी कि आंचल को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करा के मार्केट में लाएं, और जिस तरीके से अमूल के कैफेज हैं, जिस तरह आनंदा के कैफेज हैं, मदर डेयरी के कैफेज हैं, उसी तरीके से आंचल भी बहुत एग्रेसिवली इस बार मार्केट में रहेगा। ये मेरी 9 महीने में हमारी सोच थी कि आंचल की क्वालिटी और आंचल की मार्केटिंग और आंचल को डाइवर्सिफाई करने की, उस पर हमने लगातार काम किया है। मैं बधाई दूंगा सारे कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, जिन्होंने मेरी सोच को धरातल पर आज उतारा है। 100 कैफेज हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में खोलने का, 10 हमारे देहरादून में खुलने का लक्ष्य है, और पहला आज हमने उद्घाटन किया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी सोच थी इस सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की एक सोच है कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, जो हमारे राजा अंदुलकारी परिवार हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे मातृशक्ति हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है, ये आज आपको पहला हमने एग्जाम्पल दिया है कि आज हमने मिठानी जी, जो हमारे स्वर्गीय मिठानी जी हैं, जो BSF में देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए, आज हमने उनके परिवार के एक सदस्य को, उनकी धर्मपत्नी को ये पहला कैफे दिया है।
और वे देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी यानी कि वीआईपी को बचाना चाहती है, इसलिए ही केस को बंद किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अगर अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जाता तो हमारा विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अंकिता हत्याकांड के मामले को लेकर कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महरा जी देहरादून में उस वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री के इशारे पर उत्तराखंड की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। उस घटना से ये साबित होता है कि भाजपा अब दमनकारी नीति पर उतर आई है और उस वीआईपी कांड को बचाना चाहती है जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उसको मुख्य आरोपी होना चाहिए जिसकी वजह से हत्या हुई है। तो भाजपा के जो असली चेहरा है, जो महिला विरोधी चेहरा है, वो सामने आता जा रहा है और उसी बोखलाहट में ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।